everyone, my name is Anjali Verma and I welcome you all to my YouTube channel. So in today's video we are going to talk about class 12 chapter 3rd, that is matrices. So CBSE guidelines के according जो आपकी 4th exercise है, that is 3.4 exercise, so वो हटा दी जा चुकी है. So 3.4 exercise में elementary operations की help से inverse निकालना था, किसी भी matrix का inverse हम उस exercise में निकालते थे. And वो ही topic जो था वो सबसे ज़्यादा important था इस chapter का, because उससे 4 या 6 marks का question definitely पूछा जाता था हर साल. So अब वो exercise तो CBSE ने हटा दी है. So उसके अलावा mostly 1 या 2 marks के question ही पूछे जाते हैं इस chapter से. So today we are going to talk about them. So let's start the video. So we have the first questions. If x into this is a matrix, that is 2 3, then plus y, then यहाँ पे पूरा हमें एक matrix type given है, उन्हें add करके further equate किया है. Then we have to find the values of x and y. So it's very simple. So बाहर जो भी लिखा है उसको अंदर आप multiply कर देंगे. So it would be 2x and then 3x, then यहाँ पे plus का sign आएगा, then y अंदर multiply होगा, so it would be minus y and then y. So it is equal to 10 and 5. So अब यहाँ बीच में एडिशन का साइन है, सो मैट्रिक्स को हम ऐड कर देंगे. सो इट वुड बी 2x माइनस वाई देन 3x प्लस वाई, बिकॉज प्लस माइनस माइनस ही होता है, सो मैंने वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया. यहाँ पे आपकी 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तब लिख सकते हो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अदरवाइज सीधे आप इक्वेट कर दोगे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, देन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. नाउ आपके पास 2 इक्वेशंस हो गई हैं. सपोज ये फर्स्ट है एंड ये सेकेंड है, सो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, सो ये कैंसिल हो जाएगा. सो बाय एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, सो आप दोनों को ऐड भी कर सकते हो, या आप किसी और मेथड से करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो. ये इस क्वेश्चन में सबसे इजी यही पड़ेगा, इसलिए मैं ये कर रही हूँ. सो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, सो 2x माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5. नाउ प्लस वाई एंड माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देन ये आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 15. सो ये कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3. नाउ x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, सो आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रख दोगे. सो 2 into 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10. सो ये 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, सो y उधर भेज देंगे, सो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 10. सो y की जो वैल्यू है वो आ गई -4. सो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -4. सो आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. We have the next question. If A is equals to एक matrix given है and B is equals to उसमें भी एक matrix given है, we have to find AB, which means हमें दोनों matrix का multiply करना है. So AB क्या आ जाएगा जब हम दोनों matrix को multiply करेंगे, 0 1 2 3 and 0 0. Now मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं. Now ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 into 2 और जो सेकंड है उसका है 2 into 1. सो पहले जो है हमारे पास रो नंबर आता है. सो इसमें कितनी रोज है, इसमें 1 2 2 रोज है एंड 2 ही कॉलम है, 1 2 2 कॉलम है, इसलिए 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. नाउ सेकंड मैट्रिक्स में 2 हमारे पास रोज हैं, रो नंबर पहले आता है एंड 1 ही हमारे पास कॉलम है, इसीलिए यहाँ पर 1 आए हैं. नाउ दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए वी हैव टू कीप इन माइंड कि अगर जो फर्स्ट वाले का रो नंबर है एंड सेकेंड वाले का जो फर्स्ट वाले का कॉलम नंबर है एंड सेकंड वाले का रो नंबर है वो सेम होना चाहिए. सो यहाँ पर सेम है, सिर्फ तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है. लाइक अगर 3 into 2 होता एंड 3 into 2, सो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो भी 3 into 2 ऑर्डर की है एंड सेकंड मैट्रिक्स भी 3 into 2 ऑर्डर की है. सो इसका जो कॉलम नंबर है एंड इसका जो रो नंबर है वो सेम नहीं है, विच मीन्स इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. बट अगर पहली 3 into 2 ऑर्डर की है एंड सेकेंड 2 into 3 ऑर्डर की है, सो इसका कॉलम नंबर एंड इसका रो नंबर सेम है, विच मीन्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है. और जो मल्टीप्लाई करके जो भी मैट्रिक्स आती है वो इस वाले का रो नंबर एंड इस वाले का कॉलम नंबर आती है, विच मीन्स यहाँ पर आएगी 2 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स. सिमिलरली अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे होते, सो जो भी मैट्रिक्स आती है वो 3 into 3 ऑर्डर की होती है, विच मीन्स उसमें 3 ही रोज भी होते हैं एंड 3 ही कॉलम्स भी होते हैं. तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सिमिलरली सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ यहाँ पर हम देखेंगे, फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 into 0 प्लस देन 1 into 0. सो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, देन इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. सिमिलरली यहाँ पर भी इसकी हम मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देन 2 into 0 देन प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे कर देंगे. सो ये आ जाएगा 3 into 0. सो ये क्या आ गया, 0 into 0 0 प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 इंटू जीरो दैट इज जीरो, सो यहाँ पर भी 0 प्लस 0 विच मीन्स हमारे पास क्या आ गया 0 0। और ये 2 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है बिकॉज उसमें 2 रोज हैं एंड 1 ही कॉलम है, सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन का, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is we have been given 2 matrices and we have to multiply them. So पहले तो हम check कर देंगे कि first matrix किस order की है। So 2 rows हैं, इसमें 3 columns हैं, so ये 2 into 3 ऑर्डर की है एंड जो हमारी याली मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है, सो ये 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सो यहाँ पर क्लियरली लुक यहाँ पे इसका जो कॉलम नंबर है एंड इसका रो नंबर है सेम है, सो विच मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है एंड जो मैट्रिक्स फर्दर आएगी वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की होगी विच मीन्स उसमें 2 रोज होंगे एंड 2 कॉलम होंगे। नाउ इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लोग पहले जो भी हैं इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले 3 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, सो हमने इससे मल्टीप्लाई की देन ऐड किया, देन इसकी इससे मल्टीप्लाई की देन ऐड किया, इसकी इसके मल्टीप्लाई की। सो यहाँ पर का जो भी एलिमेंट आएगा इन सबको ऐड करके आएगा। नाउ यहाँ ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स होने वाली है, सो अब जो हमारा फर्स्ट कॉलम है या फिर जो फर्स्ट रो है उसका जो सेकंड एलिमेंट है तो वो हम निकालेंगे। सो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे बट इसमें जो फर्स्ट रो है उसकी सेकंड जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर 3 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 1 इंटू 0 एंड देन प्लस 3 इंटू 1। सो हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे की है देन ऐड, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे। सो सिमिलरली हम ऐसे ही सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, देन यहाँ पर भी माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 0 इंटू 0 एंड प्लस 2 इंटू 1। सो इन सबको अब हम ऐड कर देंगे। नाउ ये आ जाएगा हमारे पास, इतनी कैलकुलेशंस हम साइड में भी कर सकते हैं। सो 3 इंटू 2 होगा 6, देन ये हो जाएगा माइनस 1 एंड ये हो जाएगा प्लस 9, सो 9 प्लस 6 9 10 11 12 13 14 15, देन 15 माइनस 1 आ जाएगा 14, सो यहाँ पर हम 14 लिख देंगे। नाउ 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 आ जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा देन प्लस 3 विच मीन्स ये कितना आ जाएगा माइनस 6। और सिमिलरली यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 2 देन ये प्लस 6 विच मीन्स ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये 3 हो जाएगा देन प्लस 2 यहाँ पर 5 आ जाएगा। सो इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है और यहाँ पे जो भी हमें मल्टीप्लाई करके निकालना था हमने निकाल दिया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have the next question. Find x and y if x plus y is equals to a particular matrix and x minus y is also given a matrix. So हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जनरली 1 मार्क्स में पूछा गया है। So यहाँ इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे एंड इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, देन हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। Now जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे सो ये आ जाएगा 2x because x plus y प्लस एक्स माइनस वाई, सो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 2x आ जाएगा। मैंने इसे इतना मेंशन नहीं किया बिकॉज ये जस्ट 1 मार्क्स में पूछा गया है एंड इतनी मेहनत 1 मार्क्स के लिए आई डोंट थिंक सो करनी चाहिए। सो देन यहाँ पर भी 7 प्लस 3 ने डायरेक्ट ऐड कर देंगे, देन 0 प्लस 0, देन यहाँ पे भी 2 प्लस 0 एंड 5 प्लस 3। सो 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 10 0 2 एंड 8, सो विच मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी। नाउ ये जो 2 है इधर आ जाएगा, सो हो जाएगा 1/2 10 0 2 8। अब ये जो 1/2 है ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा। नाउ 1/2 सबसे मल्टीप्लाई होगा विच मीन्स 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 4। नाउ सिमिलरली अगर आपको y निकालना है सो आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू रख सकते हो। नाउ x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 5 1 0 4, सो एक मैट्रिक्स है प्लस y इज इक्वल्स टू यहाँ पर ऊपर हमें गिवन है, सो ये हम लिख देंगे सो 7 0 2 5। नाउ y की हमें वैल्यू निकालनी है, सो इस मैट्रिक्स को अब हम उधर भेज देंगे। सो 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। Now you will subtract them, so 7 minus 5 0 minus 0 2 minus 1 5 minus 4, so यहाँ पर आ जाएगा 2 0 1 एंड 1। सो हमारी दोनों की वैल्यू निकल गई है, y की वैल्यू ये है एंड x की वैल्यू ये है। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।